हमारे देश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। 3 चरणों के लिए मतदान हो चुके हैं और बाकी 4 चरणों के मतदान के लिए देश की जनता तैयार है। संसद में अपनी राह बनाने के लिए हर उम्मीदवार अपनी ताकत झोंक रहा है, लेकिन 6000 किलोमीटर दूर एक भारतीय ने ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसे आज तक कोई नहीं कर पाया। 41 वर्षीय भारतीय मूल के जापानी नागरिक योगेंद्र पुराणिक ने वहां के निकाय चुनाव में जीत दर्ज की है। योगेंद्र पुराणिक को उनके क्षेत्र में योगी के नाम से भी जाना जाता है। वामपंथी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान के समर्थन में चुनाव लड़ने वाले योगी को 21 अप्रैल को हुए मतदान में 6477 वोट मिले। जापान की राजधानी टोक्यो में 23 वार्ड हैं, जहां कुल 58 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। ताजा चुनाव में कुल 44 उम्मीदवार चुने गए और योगेंद्र भी उन्हीं में से एक हैं। उनके वार्ड में भारतीय मूल के जापानियों की संख्या 10% है, जो कि टोक्यो के अन्य वार्डों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। योगी के वार्ड में भारी तादाद में चीन और कोरिया मूल के जापानी भी रहते हैं। आपको बता दें कि पूरे जापान में लगभग 34,000 भारतीय मूल के जापानी रहते हैं। योगेंद्र का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था और उनकी शुरुआती शिक्षा भी यहीं हुई है। योगेंद्र पहली बार 1997 में जापान गए थे। उससे ठीक 2 साल बाद वापस जापान पढ़ाई के सिलसिले में गए और पढ़ाई पूरी करने के बाद वे वापस भारत लौट आए। फिर साल 2001 में इंजीनियर बनके जापान में काम करने लगे। वो साल 2005 से इदोगावा वार्ड में रह रहे हैं। 2011 के सुनामी के बाद उनके और जापानियों के बीच एक मजबूत मानसिक रिश्ता बन गया। योगी बताते हैं कि यही वो समय था जब उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें अब जापानी बन जाना चाहिए। अमर उजाला.com